हेलो डियर फ्रेंड देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंगुलर मोमेंटम टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स बिल्कुल सिंपल टॉपिक है मोमेंटम के बारे में हमने पढ़ा हुआ है लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ा है और उसी का जो लगभग सेम रूप है हमारे पास आ गया एंगुलर मोमेंटम एंगुलर हम कब लेकर चलते हैं जब बॉडी किसी एंगल से रोटेट करती है तो वो एंगुलर में आ जाती है और आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा और देखिए बिल्कुल आसान टॉपिक है तो दो पॉइंट हम आज कर जो है वीडियो में कवर करेंगे एक तो एंगर मोमेंटम और टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और एक ए पॉइंट पार्टिकल के लिए भी हम जरूर करेंगे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फिजिक्स डॉट एजू डॉट राजेंद्र चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए तो बिना देरी किए चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल आसान है समझना भी इतना मुश्किल नहीं है तो चलिए शुरू कर देते हैं देखिए एंगुलर मोमेंटम होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में हमें पता है कि जो टॉर्क क्या होता है टॉर्क टॉर्क बोलते हैं इज द टर्निंग ऑफ रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जब बॉडी रोटेट करती है टर्न करती है ना ऐसे सर्कुलर में तो वो टॉर्क बोलते हैं उसको यानी कि हमारे पास क्या रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है टॉर्क एक तरह से टॉर्क क्या होता है एक तरह से टर्निंग या रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है ठीक है और इसी रोटेशनल एनालॉग को हम इस चैप्टर में लेकर आए हैं आपके लिए देखिए जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम न्यूटन सेकेंड आए नोट कर लीजिए फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इसलिए इफ वी रिप्रेजेंट टॉर्क एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी दैट विल बी द रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट कैन अप्रोप्रेटली बी कॉल्ड एज एंगर मोमेंटम ठीक है ना तो ये अब हम डेफिनेशन पर आ जाते हैं देखिए एंगुलर मोमेंटम जैसे हम फोर्स की बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम भी हमारी जो है एक वैक्टर क्वान्टिटी है और इसको हम कई बार मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं या linear momentum बोल देते हैं या लीनियर मोमेंटम बोल देते हैं फ्रॉम दिस टर्म वन कुड कैश हाउ एंगुलर मोमेंटम हम डिफाइंड कैसे करेंगे देखिए ये इसकी डेफिनेशन है द प्रॉपर्टी ऑफ एनी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट भी ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट जब रोटेट करते है ना गिवन बाय मोमेंट ऑफ इनर्सिया टाइम द एंगुलर वेलोसिटी इसका भी फार्मूला भी हम देखेंगे बिल्कुल आसान है याद करना डेफिनेशन एक बार दोबारा देख लीजिए प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑफ एनी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट गिवन बाई मोमेंट ऑफ इनर्सिया टाइम्स एंगुलर विलोस्टी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ़ रोटेटिंग बॉडी गिवन बाई प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया एंड एंगुलर विलोसिटी ऑफ द रोटेटिंग ऑब्जेक्ट इट इज ए वैक्टर क्वान्टिटी विच इम्प्लाइज दैट हेयर अलोंग विद मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आल्सो कंसिडर तो इन दोनों डेफिनेशन में से जो आप करना चाहें उनमें से कोई सी भी ये डेफिनेशन है हमारे पास एक और ये सेकेंड डेफिनेशन है दोनों में से कोई सी एक डेफिनेशन आप कर लीजिए सफिशेंट है ये फार्मूला देखिए ध्यान से जो डेफिनेशन ने यही कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसका प्रोडक्ट है किसकी गुणा है यानी किसका मल्टीप्लिकेशन है मोमेंट ऑफ इनर्सिया इनटू एंगुलर विलोस्टिक ये इसका प्रोडक्ट होता है एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है लीनियर मोमेंटम यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया लीनियर मोमेंटम इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशन या एंगुलर विलोस्टी इसको हम क्या बोलते हैं एंगुलर विलोस्टी भी बोलते हैं ठीक है ना आप देखिए फार्मूला हमारे पास क्या है एलिजिकल टू आई उमेगा आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्सिया एंगुलर विलोस्टी क्या है उमेगा और कई बार हम क्या लिखते हैं एलिजिकल टू टू मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जिसको हम आई से डिनोट करते हैं इन टू डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशन यानी कि ओमेगा ये इसकी डेफिनेशन है क्लियर है ना और देखिए इसका जो डायमेंशन है आपको याद होना चाहिए एम एल टी की पावर माइनस वन लिख देते हैं एम एल स्केयर टी की पावर माइनस दो पावर माइनस टू एस आई यूनिट चलते हैं इसकी एंगुलर मोमेंटम की क्या है एल की दोनों की सेम यूनिट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की भी और दोनों की ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर स्केयर पर सेकेंड ये मीटर स्केयर हमारे पास लेकिन इसको ऐसे किलोग्राम मीटर स्केयर पर सेकेंड कई बार एस के ऊपर माइनस वन लिख देते हैं तब भी पर सेकेंड ही होता है मोमेंट ऑफ इनर्सिया किलोग्राम मीटर स्केर पर सेकंड वही सेम हमारे पास velocity, second, symbol, symbol, ही ठीक है ना एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड सिंबल एंगुलर मोमेंटम का सिंबल वही एल एल है ये इस तरह से लिखेंगे एल यूनिट एस आई बेस्ड वही अभी हमारे दोबारा फिर वही डायमेंशन फार्मूला अभी हमने आपको लिखा दिया ठीक है ना एम एल स्केयर वाला सेम अब बात करते हैं फोर्स के बारे में देखिए फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सलेशन यही होता है ना फास्ट मास इंटू एक्सलेशन अब हम इसको क्या करते हैं इसका डायरवेशन करेंगे देखिए ध्यान से फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन वैक्टर है दोनों ये फोर्स के ऊपर भी वैक्टर है और इसके भी है दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं वैक्टर आर से दोनों को वेक्टर आर से मल्टीप्लाई कर देंगे नोट कर लीजिए तो यानी कि ये वेक्टर एफ़ इधर आ गया और वेक्टर आर इधर आ गया किसी भी देखिए मैथ का फार्मूला है किसी दोनों साइड सेम क्वांटिटी से या तो मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो कोई डिफरेंस नहीं आएगा ना ठीक है आप देखिए आर एम ए डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी पी क्या होता है मोमेंटम पीजिकल टू एम भी होता है पी इजिकल टू एम वी होता है यदि आपको याद हो पी क्या होता है एम वी पी क्या होता है हमारे पास एम याद रखिए इसको ठीक है ना तो वहीं से हमारी इक्वेशन आती है ये डी बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ आर क्रोश पी मास इंटू एक्सेलेशन ठीक है ना इफ यू कैरी आउट द टाइम डेरीवेटिव द फर्स्ट टर्म फ्रॉम द प्रोडक्ट रोल इज वी क्रॉस वी ठीक है ना याद देखिए ध्यान से दिस इज वेरी सिमिलर या फैमिलर इक्वेशन हमारी एफ इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ पी या हमारे पास पी इज इक्ल टू एम भी होता है ना तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया पी इज टू एफ टू सॉरी डी बाई डी टी ऑफ पी यानी कि मोमेंटम का डेरिवेटिव विच कैन बी रीड एज फोर्स अस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लाइक वाइज इक्वेशन वस्ट रीड ए फोर्स अप्लाइड अबाउट एन एक्सिस रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम अबाउट द सेम एक्सिस दिस मीन दैट वी आइडेंटिफाई द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद टोर टो द क्वानिटी इन द ब्रैकेट ऑफ द राइट हैंड साइड विद एंगुलर मोमेंटम एल क्या है हमारे पास आर क्रोशमी एम वी सो इक्वेशन फर्स्ट कैन बी एज यानी कि जो मोमेंटम क्या होगा हमारे पास आर क्रोश एम वी आर क्रोश एम वी और टॉर्क क्या होता है हमारे पास डी बाई डे टी ऑफ एल ये टॉर्क हो जाएगा क्लियर है।, है ना पॉइंट नेक्स्ट दस द टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू दट दिस इज द रोटेशन एंड लॉग ऑफ एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा ना विच एक्सप्रेस इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्लियर पॉइंट टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल अब ये पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखिए फिजिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है एंगुलर मोमेंटम होता है हमारे पास लीनियर मोमेंटम गुणा में मोमेंट आर्म यानी कि एंगुलर मोमेंटम इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इज मेजर बाय द टर्निंग मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज ए फिजिकल मीनिंग ऑफ दी एंगुलर मोमेंटम क्लियर पॉइंट अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास ये इसको आप करेंगे ध्यान से ठीक है ना देखिए टू गेट द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट ए पॉइंट वी नीड टू एड वैक्टोरियली द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल दस बारे देखिए जब हम बात करते हैं ना जब हमें एक पार्टिकल का मोमेंटम यदि हमारे पास एल है और ज़्यादा का निकालना हो क्या होगा ये पहले पार्टिकल का होगा ये दूसरे का होगा ये तीसरे का होगा सभी को ऐड कर दो तो लास्ट में एल एन हो जाएगा तो वो सभी पार्टिकल्स का सम आ जाएगा मोमेंटम आ जाएगा ठीक है ना तो इसी कंडीशन में मानेंगे मान लो हमारे पास एन पार्टिकल्स हैं एल वन एल टू एल एन बी दी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल एक एक का मतलब पहले पार्टिकल का एल वन है दूसरे का एल टू तीसरे का एल एन ठीक है ना तो टोटल सम हमारे पास क्या होगा एल वन एल टू एल एन यानी कि एल आई लेते हैं summation में हम जब लेंगे और आई की वैल्यू कितने से वन से एन तक आ जाएगी ठीक है ना अब एल L... आई की बात जब हम करते हैं तो एल आई देखिए क्या होता है हमारे पास वैक्टर एल क्या होता है summation of i इज इक्वल टू वन टू वन आर आई इंटू पी आई आर आई इंटू पी आई जैसे अभी मैंने पिछले वीडियो में किया था ठीक है ना इक्वेशन नंबर एक होगी हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो L तो का डी एल बन जाएगा डी टी ऐसे कैसे ये ऐसे कैसे कॉन्स्टेंट डी एल आई बाई डी टी ठीक है ना टो नेट टोर्क जितना टोटल नेट हो जाएगा ये हमारे पास नेट टोर्क ऑफ द आई एथ पार्टिकल जिसको हम बोलते हैं ठीक है ना क्योंकि ये किसके बराबर हो गया हमारे पास नेट टोर्क के बराबर हो जाएगा यानी कि डी एल हमारे पास क्या क्या जो टोर्क है टोटल नेट क्योंकि देखिए टोटल नेट का मतलब क्या है एल वन प्लस एल टू वाली जो हम बात कर रहे थे उसके बारे में हम बात कर रहे हैं और टोटल का मतलब टोटल नेट का मतलब इंटरनल भी और आउट एक्सटर्नल दोनों टोर्क हम ले कर चलेंगे दोनों रोटेशनल फोर्स हम लेकर चलेंगे और इंटरनल जो टोर्क होगा हमारे पास वो क्या होगा आर आई इंटू एफ इंटरनल ठीक है ना और एक्सटर्नल भी सेम ही रहेगा आर आई इंटू एफ एक्सटर्नल सेम पॉइंट रहेगा देखिए अब हमारे पास जो न्यूटन सेकेंड ला क्या कहते हैं सॉरी थर्ड ला द इंटरनल टॉर्क ऑन ए सिस्टम ड्यू टू इंटरनल फोर्स हमेशा क्या रहेगा जीरो क्योंकि फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंड दीज फोर्स आर डायरेक्टेड अलोंग दी लाइन जॉइनिंग टू पार्टिकल टोटल टॉर्क इज ओनली ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स ओनली अंदर वाले फोर्स का कोई असर नहीं पड़ेगा इसलिए टोटल फोर्स सिर्फ एक्सटर्नल के बराबर ही होगा इसका मतलब क्या है हमारे पास डी एल बाई डी टी किसका हो गया एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा जो रोटेशन चल रहा है इसलिए हम कहेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ये वाला फर्स्ट लाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम यानी कि डी एल बाई डी टी ठीक है ना ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट ए फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एक्सटरल टोर्क ये वाला एक्टिंग ऑन द सिस्टम अबाउट द पॉइंट क्लियर है क्योंकि इंटरनल टोर के हमारे पास क्या है जीरो है ये जीरो ठीक है ना और नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम भी क्या होता है जीरो होता है हमें पता है तो इसलिए टोटल क्या हो गया जीरो डीएल बाई डी टी भी किसके बराबर आ गया जीरो इसका जब हम डायरेविटी करेंगे तो एल कितना आ गया हमारे पास कॉन्स्टेंट तो इसलिए हम कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी रिमेन कॉन्स्टेंट इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो दिस इज नोन एज द ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कई बार इस तरह से भी आ जाता है नोट कर लीजिए नोन एज दा ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम जल्दी ही आजा आपके लिए तब तक हम लेते हैं आपसे इजाज़त जय हिंद